अभी हूँ मैं इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ से मुझे अयन्य तक जाना है, येलो लाइन तक, और इसके बाद चेंज करनी है मेट्रो, जो कि मुझे निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पर पहुँचा देगी। फिर निजामुद्दीन से मेरी ट्रेन है शाम को 5:50 पर, जो कि आगरा कैंट तक जाएगी। आगरा कैंट पर फिर मैं कैब करके या कुछ करके चला जाऊंगा। अभी मेरी मेट्रो आ चुकी है, मैं मेट्रो में चढ़ने जा रहा हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पर बैठता हूँ, प्रॉपर यहाँ पर बना रखा है ये बैठने के लिए, आपको कहाँ पर बैठना है, एक सीट छोड़कर बैठना है, और बाकी खड़े होने की भी जगह यहाँ पर बना रखी है पीछे, जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं। अगर मैं 5 मिनट और लेट होता तो मेरी ट्रेन छूट जाती है। तो अभी मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन ट्रेन पहुंच गई है, और शायद इसके बाद अगला या इससे अगला जो स्टेशन है आगरा कैंट का है, वहाँ पर मैं उतर लूँगा। तो मैंने अपना हॉस्टल कल ही शाम को बुक कर लिया था, और वो हॉस्टल मेरे को काफ़ी सस्ता पड़ा, 150 रुपीज़ फॉर वन नाइट, और उसमें इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट भी है। बाकी देखता हूँ हॉस्टल कैसा है, सारी डिटेल मैं आपको जो हॉस्टल की डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बाकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा नाम। चलते हैं, वही ट्रेन निकल चुकी है। तो अभी मैं आगरा कैंट पहुंच गया हूं, ये मेरा होटल है पीछे, मैं वेट कर रहा हूं होटल के ओनर का, फिर देखता हूं होटल कैसा है। तो अभी मैं जस्ट अभी होटल पहुंचा था, और होटल के पहुंचने के बाद मेरे साथ क्या हुआ मैं भी आपको बताता हूं। पहले तो मैं अपना मास्क निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे मेरा पर्सनल रूम मिल गया है, जो कि सिर्फ 150 रुपीज़ में है, काफ़ी अच्छा रूम है, वॉशरूम भी क्लीन है, मैं दिखा देता हूं। और एक्चुअली इस हॉस्टल में भी कोई था नहीं, और इस जो पर्सनल रूम है इसमें भी किसी ने बुक नहीं कर रखा था, तो भैया ने बोला कि ये रूम आपके लिए पर्सनल दिया जा रहा है, तो मैंने कहा थैंक यू भैया। और रूम काफ़ी अच्छा है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप मेरी स्माइल देख सकते हैं, मास्क लंबे टाइम के बाद मैंने निकाला है। तो आपको कल सुबह में मिलता हूँ, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मैंने इंक्लूड करा था, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सुबह ताजमहल जाऊँगा, फिर वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए मिलते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम ताज नगरी आगरा। सो अभी मैं उठ गया हूँ जल्दी, पता नहीं क्यों अभी लगभग 6:05 के आसपास हुआ है, और अभी ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बोल दिया है शायद 7 बजे तक आ जाएगा, और फिर मुझे भूख लगी तो मैं अभी चॉकलेट मेरे पास कुछ रखी है चॉकलेट मैं खाता हूँ, एंड इसके बाद भी मैं निकल लूँगा शायद 7:30 या 8 बजे के आसपास, बिकॉज ये 12 बजे तक का टाइमिंग मुझे दिया गया है। एक्चुअली है क्या कि एक दिन में 50,000 टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं ताजमहल को, और मैं 2 शिफ्ट किया है हम लोगों ने, 12 बजे से पहले 25,000 एंड 12 बजे के बाद 25,000 टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताऊँ ताजमहल पर। सही है, निकलता हूँ फिर थोड़ी देर में मैं खाने के लिए। एक्चुअली जिस हॉस्टल में मैं हूँ उसके ऊपर एक कैफ़े बना हुआ है, और कैफ़े कुछ इस तरह का है, बैठने की जगह भी बनी हुई है पीछे, और अच्छा व्यू है यहाँ से। तो अगर आप ताज महल देखने आना चाहते हैं और होटल में रुकना चाहते हैं और अच्छा होटल चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये होटल मुझे काफ़ी पसंद आया, आप देख सकते हैं, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी मैं अपने हॉस्टल से वापस आ गया हूँ, मैं ताजमहल के लिए जा रहा हूँ, और इधर प्रॉपर बना रखा है अच्छा सा सिक्योरिटी सब कुछ, मास्क वगैरह आपका सारा चेक किया जाएगा स्टार्टिंग से ही। यहाँ से एंट्री चालू होती है भाई, इतनी सख्ती बना रखी है इन लोगों ने।
सो मैं अभी ताजमहल आ गया हूँ। एक्चुअली बात क्या है कि यहाँ पर वीडियोग्राफी अंदर अलाउ नहीं है, तो यहीं तक ही वीडियोग्राफी हो सकती है। एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यू कैन नॉट मेक अ वीडियो इनसाइड द ताजमहल और नियर द ताजमहल। सो अभी मैं कैमरा बंद करता हूँ, सिर्फ मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता हूँ और यहीं से ही मैं वीडियो बना सकता हूँ, बस यहीं तक। यही सब है, ज़्यादा लोग तो आए नहीं है, और जो भी आए हुए हैं उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहन रखे हैं। अभी मैंने जस्ट ताजमहल से एग्जिट किया है, अभी मैं बस पकड़ूंगा दिल्ली के लिए, निकल जाऊंगा।